2024 में इंडिया जापान को ओवरटेक करते हुए वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और नेक्स्ट दो सालों में जर्मनी को ओवरटेक करते हुए वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन 2047 तक क्या हम चाइना को ओवरटेक करते हुए 35 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें कितनी ग्रोथ रेट की जरूरत है। लेकिन 2007 से 8 के बीच चाइनीज इकोनॉमी भी आज इंडिया की तरह लगभग 4 ट्रिलियन इकोनॉमी थी। 1990 से लगभग डबल डिजिट ग्रोथ की वजह से आज चाइनीज इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की है, और इसीलिए इंडिया को भी 2047 तक 35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए एटलीस्ट 3 डिकेड्स के लिए 9-10% ग्रोथ चाहिए। और ये कहना है नीति आयोग के फॉर्मर CEO अमिताभ कांत का, जिसके लिए हमें चाइना की तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, साथ ही सही इकोनॉमिक पॉलिसीज और डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही यूज करने की भी आवश्यकता है। इंडिया का एवरेज ग्रोथ रेट 5-7% ही रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इंडिया 2047 तक 35 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।